हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अजय कुमार, स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर BAMS फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। सो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो हमारा कॉलेज है GSH पटना, उसके बॉयज हॉस्टल के बारे में। और यहाँ पे स्टार्टिंग में तो जब आएंगे आप फर्स्ट ईयर में तो एक रूम रहेगा बड़ा सा, उसमें चार लोग रहते हैं। ये सिलसिला चलते रहता है फोर्थ ईयर तक। आफ्टर फोर्थ ईयर आपको एक इंटर्नशिप में पर्सनल रूम मिलता है पढ़ने के लिए। और इस हॉस्टल में खाने की फैकल्टी है, मेस सुविधा है, खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बना है, क्रिकेट भी है, और जिम म्यूजियम है, और टहलने के लिए गार्डन है जिसको हम लोग हर्बेरियम कहते हैं। इसका जो बॉयज़ हॉस्टल का लोकेशन है जस्ट राजेंद्र नगर टर्मिनल के एडजेसेंट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं बगल से ट्रेन गुजर रहा होगा, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, तो अच्छा व्यूज आता है काफ़ी। अगर आप अपने हॉस्टल के छत पे जाएंगे ना तो छत से देखेंगे तो बहुत एक अच्छा नज़ारा दिखता है। और जस्ट उसके बगल में एक बड़ा सा गार्डन है जिसको हम हर्बेरियम कहते हैं ना। अगर आपको देखना है हर्बेरियम तो मेरे एक वीडियो अपलोड है, उस पर पूरा डीपली आपको पूरा बताया गया है कि क्या है गार्डन में, पूरा कौन कौन सा प्लांट्स है, किस प्लांट्स का क्या नाम है, साइंटिफिक नाम क्या है वगैरह वगैरह, फिश कैसा है सब दिखाया गया है। और इसीलिए आप बताता हूँ आपको मेस कैसा दिखता है। चलिए दिस इज आवर बैडमिंटन कोर्ट, जस्ट हमारे हॉस्टल में ही है। जैसे कि विंटर वैक्सीन चल रहा है, देखिए आप लोग बैडमिंटन कोर्ट बनाए, दिखा भाई, ये नेट वोट भी मिला है और हम लोग पास एक्स्ट्रा भी है, बट मिला भी है खेलने के लिए। बैडमिंटन भी मिलता है कॉलेज से बैडमिंटन भी मिलता है खेलने के लिए। और ये आप यहाँ पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं। और ये मेरा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अजीत कुमार फ्रॉम डैश। और बस यही है कि आप बैडमिंटन खेल सकते अच्छे से, हॉस्टल में काफ़ी इंजॉयमेंट होता है। और बस दिखा दो बिल्डिंग थोड़ा सा, बस चलो हम लोग खेलते आ गए, चलो खेलते आ गए। ये हमारा मेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा टेबल लगा है, चेयर लगा है। मेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे खाने का मस्त सुविधा है, यहाँ पे गर्म गर्म खाना मिलता है। और इसका डे वाइज शेड्यूल फिक्स है कि इस दिन ये मिलेगा, उस दिन वो मिलेगा। और यहाँ पे आपको पानी पीने के लिए मस्त एक RO लगा है और रेफ्रिजरेटर भी है कि मतलब पानी का कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो फैले, इसलिए मस्त RO लगा है पीने के लिए पानी। और मेस में देखिए आप वहाँ पे एक TV लगा है और वो मैच देखने के लिए होता है। और IPL चलते हैं ना, IPL देखने के लिए फुटबॉल मैच देखने के लिए चलते हैं। और खाने के लिए मस्त ठीक ही है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है ही। तो चलिए जिम देखते हैं, जिम कैसा है। दस किलो का, 15 किलो का वगैरह वगैरह, वाटर। और
टेस्ट मारने वाला है, उधर रखा है उसको। तो यही सब था GSEH पटना बॉयज हॉस्टल के बारे में। मैंने आप सभी को दिखाई दिया जिम, मेस और गार्डन, बैडमिंटन कोर्ट, और आप बताई दिया रूम के बारे में। तो ठीक है, धन्यवाद।